श्रीमद् देवी भागवत पुराण। एक बार भगवत अनुरागी तथा पुण्यात्मा महर्षियों ने श्री वेदव्यास के परम शिष्य सूत जी से प्रार्थना की, हे ज्ञान सागर, आपके श्रीमुख से विष्णु भगवान और शंकर की दैवी चरित्र तथा अद्भुत लीलाएं सुनकर हम बहुत सुखी हुए। ईश्वर में आस्था बढ़ी और ज्ञान प्राप्त किया। अब कृपा कर मानव जाति को समस्त सुखों को उपलब्ध कराने वाले, आत्मिक शक्ति देने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले पवित्रतम पुराण आख्यान सुनाकर अनुग्रहित कीजिए। ज्ञानेच्छु और विनम्र महात्माओं की निष्कपट अभिलाषा जानकर महामुनि सूत जी ने अनुग्रह स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जन कल्याण की लालसा से आपने बड़ी सुंदर इच्छा प्रकट की, मैं आप लोगों को उसे सुनाता हूँ। यह सच है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों तथा धार्मिक ग्रंथों में महान है। इसके सामने बड़े बड़े तीर्थ और व्रत नगण्य हैं। इस पुराण के सुनने से पाप सूखे वन की भांति जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य को शोक, क्लेश, दुख आदि नहीं भोगने पड़ते। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भागवत पुराण के श्रवण से मनुष्य के सभी कष्ट, व्याधियां और संकोच समाप्त हो जाते हैं। महात्माओं ने सूत जी से भागवत पुराण के संबंध में ये जिज्ञासाएं रखी। एक, पवित्र श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आविर्भाव कब हुआ? दो, इसके पठन पाठन का समय क्या है? तीन, इसके श्रवण पठन से किन किन कामनाओं की पूर्ति होती है? चार, सर्वप्रथम इसका श्रवण किसने किया? पांच, इसके पारायण की विधि क्या है? श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आविर्भाव। महर्षि पाराशर और देवी सत्यवती के संयोग से श्री नारायण के अंशावतार देव व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी ने अपने समय और समाज की स्थिति पहचानते हुए वेदों को चार भागों में विभक्त किया और अपने चार पटु शिष्यों को उनका बोध कराया। इसके पश्चात वेदाध्ययन के अधिकार से वंचित नर नारियों तथा मंदबुद्धियों के कल्याण के लिए 18 पुराणों की रचना की, ताकि वे भी धर्म पालन में समर्थ हो सकें। सूत जी ने कहा, महात्मन, गुरुजी के आदेशानुसार 17 पुराणों के प्रसार एवं प्रचार का दायित्व मुझ पर आया, किंतु भोग और मोक्षदाता भागवत पुराण स्वयं गुरुजी ने जन्मेजय को सुनाया। आप जानते हैं, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डस लिया था और राजा ने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया था। राजा ने 9 दिन निरंतर लोकमाता भगवती दुर्गा की पूजा आराधना की तथा मुनि वेदव्यास के मुख से लोकमाता की महिमा से पूर्ण भागवत पुराण का श्रवण किया। इसके फलस्वरूप मां ने उन्हें दर्शन दिए। अपने पूज्य पिता की सदगति को देखकर जहां राजा जन्मेजय प्रसन्न हुए, वहां उन्होंने श्री वेदव्यास से पुराणों में श्रेष्ठ और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनाने की विनती की। पारायण का उपयुक्त समय। सूत जी बोले, देवी भागवत की कथा श्रवण से भक्तों और श्रद्धालु श्रोताओं को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। मात्र क्षण भर के कथा श्रवण से भी देवी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं होता। सभी तीर्थों और व्रतों का फल देवी भागवत के एक बार के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में तो मनुष्य के लिए अनेक धर्म कर्म हैं, किंतु कलयुग में तो पुराण सुनने के अतिरिक्त कोई अन्य धार्मिक आचरण नहीं है। कलयुग के धर्म कर्महीन तथा आचारहीन मनुष्यों के कल्याण के लिए ही श्री व्यास जी ने पुराण अमृत की सृष्टि की थी। देवी पुराण के श्रवण के लिए यों तो सभी समय फलदायी है, किंतु फिर भी आश्विन, चैत्र, मार्गशीर्ष तथा आषाढ़ मासों एवं दोनों नवरात्रों में पुराण के श्रवण से विशेष पुण्य होता है। वास्तव में यह पुराण नवान यज्ञ है, जो सभी पुण्य कर्मों में सर्वोपरि एवं निश्चित फलदायक है। इस नवान यज्ञ से छली, मूर्ख, अमित्र, वेद विमुख, निंदक, चोर, व्यभिचारी, उठाईगीर, मिथ्याचारी, गो देवता, ब्राह्मण निंदक तथा गुरुद्वेषी जैसे भयानक पापी शुद्ध और पाप रहित हो जाते हैं। बड़े बड़े व्रतों, तीर्थ यात्राओं,
वृहत यज्ञों तथा तपों से भी वह पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के नवान पारायण से प्राप्त होता है। तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषम न मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यः बद्री वनम नो यथा हि देवी मख एष विप्रः। गंगा गया काशी नैमिषारण मथुरा पुष्कर और बद्रीवन आदि तीर्थों की यात्रा से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो नवान पारायण रूप देवी भागवत श्रवण यज्ञ से प्राप्त होता है। सूत जी के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्वर्ण सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की प्रतिष्ठा कराकर ब्राह्मण को देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण की महिमा इतनी महान है कि नियम पूर्वक एकाद श्लोक का पारायण करने वाला भक्त भी माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर लेता है।